दिनांक 16/4/22 को कृष्णा बिहार फेज 2 थाना लोनी भाटर के जंगल में एक डेड बॉडी मिली थी जिसपे गोली मारने के निशान थे। इस सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो उसके मृतक के पॉकेट से मोबाइल बरामद हुआ। उस मोबाइल के माध्यम से उसकी पहचान कराई गई तो वो उसका नाम संजय कुमार निकला। फिर संजय कुमार के भाई ने थाना टीला मोड़ पे 17 तारीख को FIR पंजीकृत कराई थी। FIR नेम्ड कराई गई थी, किसी से उसका लेबर का विवाद चल रहा था उसको नेम्ड करा दिया गया था। लेकिन जब थाना टीला मोड़ पुलिस CO साहिबाबाद के नेतृत्व में टीम बना करके पूरा जब इस मामले की छानबीन की गई सर्विलांस के माध्यम से फुटेज के माध्यम से तो बात ये निकली कि जो मृतक है इसने संबंध मनोज जो मेन षड्यंत्रकारी अभियुक्त है उसके ससुर से मृतक के संबंध थे। इन लोगों के बीच में ससुर से और मनोज के बीच में वैवाहिक संबंध को लेकर के विवाद चल रहा था उसकी पत्नी और इसके मनोज के बीच में, जिसमें मृतक संजय भी इंटरफेयर कर रहा था। मनोज के दिमाग में ये षड्यंत्र आया कि अगर मनोज को हम रास्ते से निकाल दें तो ये मामला हल हो जाएगा। इसके लिए इसने अपने भतीजे मनीष महतो व धनंजय मंडल को विद्यानंद मंडल को हायर किया 2,20,000 रुपये में और पूरा रेकी करा करके इसकी हत्या कर दी। प्रोफाइल क्या है? ये जो मृतक है ये फैक्ट्री में काम करता है, लेबर है, और जो षड्यंत्रकारी है मनोज ये ड्राइवर का काम करता है। सर इसमें टोटल कितने लोग शामिल हैं और हत्या किस बात को लेकर की गई? टोटल 3 लोग शामिल हैं। मनोज जो जिसने षड्यंत्र पूरा रचा, जिसने प्लानिंग की, मनोज का एक भतीजा है मनीष महतो और विद्यानंद मनीष महतो का दोस्त है। ये सभी लोग बिहार के रहने वाले। सर हत्या का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि मनोज का विवाद उसके ससुराल वालों से रहता था, संजय उसके ससुर का दोस्त था और इस विवाद में संजय इंटरफेयर करता था। मनोज के दिमाग में आया कि यदि हम संजय को की हत्या करा दें तो हमारा विवाद साल हो सकता है और हमारी लाइफ स्मूथ हो सकती है। ऐसा क्या विवाद था जो इतनी बड़ी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया? मनोज अपनी साली से